गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे व्हाट इज कंप्यूटर एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर अलोंग विद इट्स ब्लॉक डायग्राम। तो स्टूडेंट, टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बेसिक टॉपिक है। अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर बीसीए कर रहे हैं, तो हर जगह ये टॉपिक बहुत ही बेसिक टॉपिक रहता है। इसकी नॉलेज आपको होनी ही चाहिए क्योंकि इससे कंसर्न क्वेश्चन जरूर आता है। वेलकम टू वन बिट एक्स्ट्रा। आज इस टॉपिक को बहुत आसान लैंग्वेज में हम सीखने वाले हैं। कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? एक सिस्टम है। जैसे ह्यूमन बीइंग यानी हम भी एक सिस्टम है। हम सारा दिन कुछ ना कुछ इनपुट ले रहे होते हैं, उस इनपुट के ऊपर हम प्रोसेसिंग करते हैं और फिर प्रोसेस करने के बाद हम कुछ ना कुछ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। यानी सारा दिन हम कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं, उसके ऊपर हमारी प्रोसेसिंग चलती है और उसके ऊपर उसके बेस्ड ही हम कुछ ना कुछ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से कंप्यूटर भी एक सिस्टम है और ये भी क्या करता है, इनपुट लेता है। इनपुट वो जो ह्यूमन बींग्स इसको देते हैं, फिर ये उसके ऊपर प्रोसेस करता है एंड देन इट प्रोड्यूस द आउटपुट। आउटपुट हमेशा मीनिंगफुल होता है जबकि इनपुट जो होता है वो मीनिंग लेस होता है। जो इनपुट हम इसको देते हैं वो रा डेटा होता कह सकते हैं हम, या रा फैक्ट्स हो सकते हैं, वो कुछ भी रा डेटा, रा फैक्ट्स, ठीक है। और ये हमेशा मीनिंग लेस होते हैं। जैसे अगर मैं इसको कहूं 10, 20, तो इस डेटा का कोई मतलब नहीं है। और जब मैं इसको कह दूं कि 10, 20 इनका सम करो, तो ये 10 + 20 = 30, इसका सम जो है हमें एज ए आउटपुट शो कर देगा। तो ये जो आउटपुट आएगा ये हमेशा मीनिंगफुल होगा। जैसे मैं इसको कहूं राम, गो, स्कूल, ठीक है, तो ये डेटा मैंने इसको दिया। अब जब इसने इसको प्रोसेस किया तो ये बताएगा कि राम गोज टू स्कूल, यानी अब ये मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बन गई है, ठीक है। अभी तक तो ये था डेटा, और जब इसके ऊपर प्रोसेसिंग कर दी जाती है तो ये बन जाता है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर की डेफिनेशन हम अगर ले तो कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, डेटा को प्रोसेस करता है और ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट एंड स्टोर इनपुट डेटा। यानी जो भी इनपुट हम इसको देते हैं उसको ये एक्सेप्ट करता है, स्टोर करता है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है एंड देन प्रोसेस्ड रिजल्ट जो है शो करता है एज द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स। तो ये है कंप्यूटर की डेफिनेशन। नेक्स्ट वी सी द ब्लॉक डायग्राम। तो इसका अगर हम ब्लॉक डायग्राम देखें तो इसके अंदर तीन यूनिट्स रहती हैं, इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट यूनिट, ठीक है। तो जो प्रोसेसिंग यूनिट होती है इसको कहते हैं सीपीयू, और ये ही प्रोसेस करता है, यहां पर ही सारा काम रहता है। थर्ड यूनिट रहती है आउटपुट यूनिट, जो आउटपुट प्रोड्यूस करके लाती है। तो इनपुट यूनिट अब क्या करती है, सारा का सारा इनपुट देती है इस प्रोसेसिंग यूनिट को, सीपीयू को। सीपीयू सारा प्रोसेस करता है देन आउटपुट यूनिट को ये जो है रिजल्ट एज द आउटपुट दे देता है। प्रोसेसिंग यूनिट यानी जो सीपीयू होता है उसकी फर्दर 3 पार्ट्स रहते हैं। जो प्रोसेसिंग यूनिट, जो सीपीयू होता है उसका फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड एमयू दैट इज मेमोरी यूनिट। दिस इज कंट्रोल यूनिट, दिस इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जहां पर सारे अर्थमेटिकल लॉजिकल कैलकुलेशन होती हैं, एंड दिस वन इज मेमोरी यूनिट, ठीक है। तो ये तीन यूनिट्स की हेल्प से सारी प्रोसेसिंग हमारी करता है प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो सीपीयू के अंदर 3 यूनिट रहती हैं, कंट्रोल यूनिट, एएलयू एंड मेमोरी यूनिट। तो इन तीनों के बेस पे काम चलता है। और मेमोरी यूनिट जिसके अंदर जो हमारी इंटरनल मेमोरी होती है वो तो होती ही है। अगर मेमोरी यूनिट, इंटरनल मेमोरी अगर हमारी कम पड़ रही है तो ये हेल्प ले लेता है सेकेंडरी मेमोरी की, यानी जिसको ऑक्सिलरी मेमोरी या मास स्टोरेज यूनिट भी बोल सकते हैं। तो ये एक्सटर्नल मेमोरी की हेल्प ले लेता है अगर प्राइमरी मेमोरी यानी इंटरनल मेमोरी अगर हमारी कम पड़ जाती है, तो एक्सटर्नल मेमोरी की हेल्प ले ली जाती है। दिस वन इज एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है। तो अब ये तीनों यूनिट्स करती क्या है, जैसे कि कंट्रोल यूनिट सारे के सारे ऑपरेशंस पे कंट्रोल रखती है,
ठीक है, कंट्रोल यूनिट सारे ऑपरेशंस पे, सारे प्रोसेसिंग पे कंट्रोल रखती है पूरा का पूरा, ताकि जो काम इनपुट यूनिट से आ रहा है, मतलब जो काम हमने करना है वो बिल्कुल सही तरीके से हम कर पाए। तो कंट्रोल यूनिट पूरी की पूरी कंट्रोलिंग रखती है। ALU करती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो की होती है अर्थमेटिकल कैलकुलेशन के लिए या और लॉजिकल कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। और मेमोरी यूनिट जो कि सारा का सारा डाटा को स्टोर करती है, और जो इंटरमीडिएट रिजल्ट होते हैं ना, बीच वाले रिजल्ट, उनको भी ये स्टोर करके रखती है, और जो फाइनल रिजल्ट आता है तो उसको भी स्टोर करके रखती है, तब तक जब तक कि वो आउटपुट यूनिट को ना दे दिया जाए। आउटपुट यूनिट क्या करती है, सारे आउटपुट को शो करती है, जो एट लास्ट जो रिजल्ट तैयार होता है उसको आउटपुट यूनिट को दे दिया जाता है, और आउटपुट यूनिट उसको डिस्प्ले करती है यूजर्स को, उस आउटपुट को, ठीक है, यूजर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। इनपुट यूनिट इनपुट लेती है, देन प्रोसेसिंग होती है CPU के थ्रू इन तीनों यूनिट की हेल्प से, एंड देन आउटपुट यूनिट रिजल्ट शो करती है। तो ये होती है तीनों यूनिट्स। अब इन तीनों यूनिट्स के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि ये कैसे कैसे वर्क करती हैं। सबसे पहले आता है इनपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट का काम क्या होता है, इनपुट लेना। तो ये क्या करती है, इनपुट लेती है, ठीक है, डेटा और इंस्ट्रक्शंस यूजर से लेती है। यूजर को डेटा भी बताना पड़ता है और इंस्ट्रक्शंस भी, कि उस डेटा को कैसे, उस डेटा पे काम करना है। तो यूजर ही है वो जो बताएगा, डेटा भी देगा कंप्यूटर को और इंस्ट्रक्शन भी देगा कि भाई ये डेटा कैसे प्रोसेस करना है, ठीक है। नेक्स्ट इनपुट यूनिट का काम है कि जो डेटा इंस्ट्रक्शन उसके पास आया है उसको कन्वर्ट करना कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म में, क्योंकि जब डाटा इसके पास आता है तो वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होता है, ह्यूमंस इसको देते हैं ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, फिर ये डेटा और इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट कर देता है कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, और कंप्यूटर को ये दे देता है वो इंस्ट्रक्शन डेटा, ठीक है। तो मतलब जो इनपुट होता है उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके ये जो है कंप्यूटर को सौंप देता है वो डेटा। इट सप्लाइज द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा टू कंप्यूटर सिस्टम फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शंस, फर्दर प्रोसेसिंग। तो ये क्या करता है, उस डेटा इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करता है और फिर उस कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शन को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर को दे देता है। मतलब ये यूजर और कंप्यूटर के बीच में एज अ लिंक काम करता है, क्योंकि यूजर होता है, यूजर अपना डेटा कंप्यूटर को देगा, तो बीच में ये इनपुट यूनिट होती है, और इनपुट यूनिट क्या करती है, यूजर का डाटा लेगी, उसको कन्वर्ट करेगी, एंड देन कंप्यूटर को कन्वर्टेड डेटा दे देती है, ठीक है। तो यूजर और कंप्यूटर के बीच में लिंक का काम करती है ये इनपुट यूनिट। नेक्स्ट इज एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइसेज। इनपुट डिवाइसेज जो कि इनपुट लेते हैं यूजर से, तो उसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, कीबोर्ड। कीबोर्ड के थ्रू हम कंप्यूटर को इनपुट दे देते हैं। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, तो माउस। माउस में जो भी हम जैसे सेलेक्ट करते हैं वो एज द इनपुट चला जाता है। लाइट पेन में भी हम सेलेक्ट करते हैं, स्कैनर में हम इमेज वगैरह स्कैन करते हैं या फिर डेटा स्कैन। जॉयस्टिक, इससे भी हम सेलेक्ट करते हैं, तो हम जो भी सेलेक्ट कर रहे होते हैं। वॉइस रिकॉग्निजर, ये क्या करता है, हमारी वॉइस को पढ़ता है। तो ये सारे एज द इनपुट हमसे डेटा लेते हैं। कार्ड रीडर हमारा डेटा रीड करता है। डिजिटाइजर, फ्लॉपी ड्राइव जिसके अंदर हम फ्लॉपी डालते हैं, डिस्क ड्राइव, टेप ड्राइव, कार्ट्रिज टेप ड्राइव, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर एंड ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो हम OMR जो हम जो है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहां पे हम मार्क्स OMR जो है यूज किया जाता है वहां पे। वहां हम जो है सर्कल्स को ड्रॉ करके आते हैं और वो सर्कल्स को रीड करता है हमारा OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। तो नेक्स्ट इज आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस ये क्या करता है, आउटपुट यूनिट के फंक्शंस क्या हैं? आउटपुट यूनिट के फंक्शन है जो हमारा रिजल्ट है, जो हमारा रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ है वो आउटपुट यूनिट को दे दिया जाता है, और आउटपुट यूनिट उसको यूजर को दे देती है उस रिजल्ट को, ठीक है। तो ये भी क्या है, कंप्यूटर और यूजर के बीच में एज द लिंक का काम करता है। आउटपुट यूनिट कंप्यूटर और यूजर के बीच लिंक का काम करता है, रिजल्ट को एक्सेप्ट करता है, जो कंप्यूटर ने प्रोड्यूस किया है उस रिजल्ट को ये एक्सेप्ट करेगा, फिर उस रिजल्ट को ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में यानी यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके यूजर को दे देता है, ठीक है। कन्वर्टेड रिजल्ट सप्लाई कर देता है देन यूजर को, ठीक है। तो ये होता है सिंपल सा आउटपुट डिवाइस का काम। और आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल लें तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसमें हमें आउटपुट शो होती है, जैसे प्रिंटर,
डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, कलर ग्राफिक टर्मिनल, ग्राफ प्लॉटर, ये हमें इमेज प्रोड्यूस करके देता है। फ्लॉपी ड्राइव, डिस्क ड्राइव, टेप ड्राइव, ये एज ए इनपुट डिवाइस भी होते हैं और एज द आउटपुट डिवाइस भी होते हैं, कार्ट्रिज, टेप ड्राइव। तो ये सारे वो डिवाइसेज हैं जिनके थ्रू हमें आउटपुट शो होता है। नेक्स्ट इज सीपीयू। अब जो मेन यूनिट है, सेकेंड यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जहां सारा प्रोसेसिंग होता है, ये यूनिट जो है एज द कंप्यूटर का ब्रेन काम करती है। ठीक है, अब ये सीपीयू क्या होता है, एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, सीपीयू ही सारे का सारा प्रोसेसिंग करता है। ये प्रोसेसिंग कैसे करता है, ये डेटा को स्टोर करता है, फिर जो इंटरमीडिएट रिजल्ट यानी बीच के रिजल्ट जो तैयार होते हैं उन सबको भी स्टोर करता है, इंस्ट्रक्शंस को भी स्टोर करता है, सारे के सारे पार्ट्स पे कंट्रोलिंग भी रखता है। इस दौरान जब काम चल रहा होता है तो सारी चीजों को कंट्रोल करके रखता है ये, एंड देन जो है रिजल्ट प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, तो सीपीयू जिसके फर्दर तीन यूनिट्स रहती हैं, ALU, MU एंड CU। तो ALU, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये होती है, और ये अर्थमेटिक मतलब अर्थमेटिक कैलकुलेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो सारे के सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन ये ही यूनिट करती है। फिर लॉजिकल वर्क भी ये करती है, लॉजिकल कंपैरिजन हो या ऑपरेशन हो, जैसे आपको कंपैरिजन करनी हो, जैसे लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इस तरह का कोई भी वर्क जो होती है वो लॉजिकल यूनिट करती है। इट डज ब्रांचिंग ऑन प्रेफिक्स्ड कंडीशन, और जो भी हमारे कंडीशंस होती हैं उनके बेस पे डिसीजंस वगैरह लेना, वो सब वर्क जो है ALU करती है। ठीक है, तो ये थी फर्स्ट यूनिट ALU यूनिट। नेक्स्ट इज मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या करती है, ये सारा का सारा डेटा को स्टोर करके रखती है। जो मेमोरी यूनिट होती है, क्योंकि हमारा सीपीयू जो है तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, तीन यूनिट्स में, डेट इज AU, ALU, MU एंड CU, कंट्रोल यूनिट। तो इन तीनों के थ्रू जो है सीपीयू अपना काम कंप्लीट करता है, ALU के थ्रू अर्थमेटिक लॉजिकल कैलकुलेशन करना, और मेमोरी यूनिट जो कि सारे के सारे डेटा को स्टोर करती है और रिजल्ट्स को भी, डेटा भी इंस्ट्रक्शंस भी, सबको स्टोर करती है। फिर जो इंटरमीडिएट रिजल्ट होते हैं यानी अंदर बीच वाले जो रिजल्ट तैयार होते हैं ना, जब हमारा काम चल रहा होता है तो बीच में रिजल्ट्स तैयार हो जाते हैं, तो उन सबको भी स्टोर करती है। उसके अलावा जब फाइनल रिजल्ट तैयार होता है तो उसको भी स्टोर करती है, तब तक जब तक रिजल्ट आउटपुट डिवाइस को ना दे दिया जाए। तो ऑल इनपुट एंड आउटपुट्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू मेन मेमोरी। ठीक है, तो ये यहाँ पे सारा रिजल्ट तैयार हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, इसका काम होता है कंट्रोलिंग करना सारे के सारे ऑपरेशंस पे, डेटा के ट्रांसफर पर, इंस्ट्रक्शंस के एग्जीक्यूशंस पर, और या फिर दूसरी यूनिट्स पर, सबके ऊपर कंट्रोल रखता है, डेटा और इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसफर करता है सही जगह पे, और सारी यूनिट्स पर भी कंट्रोलिंग रखता है। उसके अलावा सारी यूनिट्स को मैनेज करना, कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, उसके अलावा जो मेमोरी है मेमोरी में से इंस्ट्रक्शंस को उठाना और इंस्ट्रक्शन को उठा करके कंप्यूटर को देना, ठीक है, ये सब काम करती है, सारा काम अंडर कंट्रोल रखती है, देखती रहती है कि सब काम सही से चल रहा है नहीं चल रहा, और सारे यूनिट्स अपना अपना काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये सब चेकिंग रखता है कंट्रोल यूनिट। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेज के बीच में डेटा को ट्रांसफर करना और रिजल्ट को जो है स्टोरेज यूनिट के अंदर रखना, ठीक है, इट डज नॉट प्रोसेस और स्टोर डाटा, ये डाटा को स्टोर नहीं करती, ये सारा का सारा कंट्रोलिंग रखती है, डेटा को यहां से वहां ट्रांसफर करना और सारे ऑपरेशंस पे कंट्रोलिंग रखना, ये काम होता है कंट्रोल यूनिट का। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज कंप्यूटर एंड व्हाट आर द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। तो स्टूडेंट, अगर ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है और आगे के टॉपिक्स भी बहुत इजी वे में आपको सीखने हैं, तो हमारे साथ जुड़ जाएं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर भी जरूर कर दें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।